लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और इस चरण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों के 59 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। पिछले 6 चरण के चुनाव में 484 सीटों पर मतदान हो चुका है। सातवें चरण में पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13-13, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ सीट पर मतदान चल रहा है। संसदीय सीटों के कई बूथों और 2 विधानसभा क्षेत्रों में भी पुनः मतदान हो रहा है। इन सीटों में केरल के कन्नूर और कासरगोड, तमिलनाडु की धर्मपुरी, थेनी, तिरुवल्लूर, कुडलोर और हरियाणा के फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, पश्चिम बंगाल का बांकुरा, आंध्र प्रदेश का चित्तूर संसदीय और चंदगिरी विधानसभा क्षेत्र और ओडिशा जिले के 34 विधानसभा प्रखंडों में हो रहा है। तमिलनाडु में 4 विधानसभा सीटों पर, कर्नाटक में 2 और पणजी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे हैं। आज 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है और साथ ही कई दिग्गजों की आज किस्मत ईवीएम में भी कैद हो जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि दोपहर 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत कितना रहा। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक 51% से ज्यादा मतदान हुआ। बिहार में 36.20, हिमाचल प्रदेश में 34.47, मध्य प्रदेश में 43.89, पंजाब में 36.66, उत्तर प्रदेश में 36.37, पश्चिम बंगाल में 47.55, झारखंड में 52.89 और चंडीगढ़ में 35.60% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे हैं। आज आखिरी और सातवें चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो 51% मतदान अभी तक हो चुका है। बिहार में 36.20 और साथ ही मध्य प्रदेश में 43.89 मतदान दर्ज किया गया, उत्तर प्रदेश में 36.37, झारखंड में 52.89 मतदान अभी तक हो चुका है।